राम राम इंडिया न्यूज सर के साथ आप देख रहे हैं न्यूज होम लाइव और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए न्यूज होम लाइव की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बड़ी जानकारी है रणदीप सुरजेवाला से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला के विवादित बयान पर अब महिला आयोग की ओर से संज्ञान लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरजेवाला के बयान पर महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान इस बयान पर लिया है और मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर के इस पर कार्रवाई की मांग की गई है। 3 दिन के अंदर कार्रवाई की रिपोर्ट देने का अनुरोध किया गया है। सुरजेवाला ने हेमा मालिनी को लेकर के दरअसल विवादित टिप्पणी की थी और इसी के बाद आपको बता दें कि अब राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से यह स्वतः संज्ञान लिया गया है। ये बड़ी जानकारी है और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है पूरे मामले पर। रणदीप सुरजेवाला की विवादित टिप्पणी जो कि हेमा मालिनी को लेकर के थी और इस पर महिला आयोग की ओर से स्वतः संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग को इसकी शिकायत की गई है। मुख्य चुनाव आयोग को आपको बता दें कि जो पत्र है वो लिखा गया है और पत्र लेकर के कार्रवाई की मांग की गई है। 3 दिन के अंदर कार्रवाई की रिपोर्ट देने का अनुरोध किया गया है। दरअसल सुरजेवाला ने हेमा मालिनी को लेकर के विवादित टिप्पणी की थी जिसके बाद अब राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से स्वतः संज्ञान इस मामले पर लिया गया है। तो वहीं खबर आपको बता दें कि अंबाला से है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रीणु भाटिया की ओर से भी रणदीप सुरजेवाला के बयान पर टिप्पणी आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है। तो ये बात रीणु भाटिया ने कही है। रणदीप सुरजेवाला के बयान पर उन्होंने निशाना साधा, उनकी मानसिकता को ये बयान दर्शाता है। तो अंबाला में महिला आयोग की चेयरपर्सन रीणु भाटिया की ओर से यह बयान दिया गया है। रणदीप सुरजेवाला के बयान पर उन्होंने निशाना साधा और उनकी मानसिकता को ये बयान दर्शाता है, ये बात रीणु भाटिया ने कही है। तो रणदीप सुरजेवाला के विवादित बयान पर ये प्रतिक्रिया राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रीणु भाटिया की ओर से आई। उन्होंने कहा कि रणदीप सुरजेवाला ने जो बयान दिया है ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। अंबाला में आपको बता दें कि ये बयान राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रीणु भाटिया ने दिया है। देखिए सुरजेवाला जी ने अपनी मानसिकता को दर्शाया है। उन्होंने ये चीज बोलकर ऐसा अपने आप को बता दिया कि उनको उनकी माँ ने महिलाओं के लिए किस तरह की परवरिश दी है। मुझे अफसोस है कि दिखने में अच्छे मन के इतने काले हो सकते हैं। आज मुझे अच्छे दिखने वालों पर भी विश्वास उठ गया क्योंकि एक बात सोचा करते थे कि एक सभ्य व्यक्ति है ये, पर आज उन्होंने असभ्यता की जो जो लिमिट है ना वो क्रॉस कर दी। ऐसे में तो महिलाओं को वो कहीं आगे ही नहीं आने देंगे। आरक्षण के ऊपर उन्होंने समझ लो एक बिंदु लगा दिया कि महिलाएं बनती हैं तो ऐसा होता है। मुझे अफसोस है कि कांग्रेस पार्टी ने अब तक इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन याद रहे सुरजेवाला जी, ये हरियाणा वुमेन कमीशन है, आपको तुरंत इसके ऊपर आपके ऊपर एक्शन होगा। तो रेणु भाटिया को आप सुन रहे थे। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो बयान है वो मानसिकता को दर्शाता है और जो बयान रणदीप सुरजेवाला ने दिया है वो इस बात को दिखा रहा है कि महिलाओं को लेकर उनकी जो सोच है वो किस प्रकार की है। और अगली खबर का रुख करेंगे, रोहतक से खबर है। रोहतक पहुंचे थे आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, जहां पर उन्होंने रणदीप सुरजेवाला के विवादित बयान पर टिप्पणी की है जिस पर उन्होंने ये कहा है कि उनका ये बयान निंदनीय है। रणदीप सुरजेवाला देश की महिलाओं से माफी मांग, टिप्पणी का जवाब चुनाव के दौरान जनता भी रणदीप सुरजेवाला को देगी, राहुल गांधी और उनकी टीम का यही रवैया है। ये बयान दिया गया है रणदीप सुरजेवाला के बयान पर सुभाष बराला जो कि पहुंचे थे रोहतक और उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये जो टिप्पणी है ये बेहद निंदनीय है और पूरे देश की महिलाओं से रणदीप सुरजेवाला को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि टिप्पणी का जवाब तो हालांकि चुनाव के दौरान जनता देगी लेकिन राहुल गांधी और उनकी टीम का यही रवैया है। ये बात राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कही है। तो सुभाष बराला जो कि रोहतक पहुंचे थे, यहां पर उनके द्वारा ये बयान दिया गया है। सुरजेवाला के बयान पर उन्होंने टिप्पणी दी जिस पर उन्होंने ये कहा कि उनकी सोच को दर्शाता है और साथ ही साथ सुरजेवाला जो बात कह रहे हैं वो बेहद निंदनीय है, उनको पूरे देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए रणदीप सुरजेवाला को। ये बात सुभाष बराला ने कही है। तो ये बड़ी जानकारी है रोहतक से। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने बयान दिया है रणदीप सुरजेवाला के बयान पर पलटवार करते हुए जिसमें उन्होंने कहा कि सुरजेवाला जो टिप्पणी महिलाओं को लेकर के कर रहे हैं ये बेहद निंदनीय है, उनको पूरे देश की महिलाओं से अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। ये जो टिप्पणियां हैं ये रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो टिप्पणी की इन लोगों की आदत बढ़ चुकी है। ये राहुल गांधी के नेतृत्व में
इस प्रकार की टीम कांग्रेस पार्टी की विकसित हुई है, जो ना महिलाओं का सम्मान करती है, ना देश का सम्मान करती है, ना देश के संविधान का सम्मान करती है, और बार बार इस प्रकार की जो टिप्पणियां करते हैं, कभी राहुल गांधी खुद करते हैं, कभी दिग्विजय सिंह करते हैं, कभी इनकी नेता सुप्रिया जी जो खुद महिला है और महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी, हम लोगों ने देखा कि पिछले दिनों कंगना रनौत के बारे में कितनी अभद्र टिप्पणी की थी, अब बारी रणदीप सुरजेवाला तक आई है। तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा गलत काम इन लोगों ने किया है, इसकी कीमत कांग्रेस पार्टी को चुकानी पड़ेगी। वो वीडियो उनकी जग जाहिर है, आज की भी है, यानी कि कल जो बोले वो भी है, उससे पहले की भी है। हर बार ये गलतियां करते हैं, जनता इनको सबक सिखाती है और ये गलतफहमियों में रहते हैं, और मुझे लगता है आज भी इस प्रकार की गलतफहमी के कारण ये लोग भविष्य में जो परिणाम पहले आया था कांग्रेस पार्टी का, वही परिणाम भविष्य में देखने वाले हैं।